नमस्कार। आज मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रही हूँ और यह गर्मियों के लिए बहुत अच्छा रहता है पीने के लिए। तो बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आता है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो एक बार आप जरूर बना करके देखिए। तो ये पीने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट रहता है और हेल्दी भी होता है। ऐसे भी स्ट्रॉबेरी खट्टा होता है। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और लाइक और शेयर जरूर करें। और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है 250 ग्राम और इसको हम ऊपर से काट लेंगे और इसको 4 पीसेस में इस तरीके से काट लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे स्ट्रॉबेरी को काट लिया है और हमें चाहिए चीनी 2 से 3 टेबल स्पून और शुगर सिरप आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। और यहाँ पे दूध है, एकदम ठंडा चिल्ड वाला दूध मैंने बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था लगभग 2 से 3 घंटा के लिए। एक ब्लेंडर जार में हम इसको स्ट्रॉबेरी को डालेंगे। अभी कटी हुई स्ट्रॉबेरी डालने के बबाद इसमें हम डालेंगे चीनी 2 चम्मच। अब चीनी कम ही डालें क्योंकि इसमें हम स्ट्रॉबेरी सिरप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए तो आपको जो है स्ट्रॉबेरी सिरप किसी भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप स्ट्रॉबेरी सिरप ना डाल रहे हैं तो इसमें थोड़ा चीनी ज़्यादा डालें। और अब इसमें हम डाल देंगे दूध, ठंडा वाला दूध लिया है एकदम चिल्ड वाला। आप अगर नॉर्मल मिल्क डाल रहे हैं तो इसमें आइस क्यूब डाल दें 3 से 4। उसके बाद हम एक ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। स्मूदी या मिल्क शेक बना रहे हैं तो ये बहुत स्मूथ होना चाहिए। अभी हम एक सर्विंग ग्लास लेंगे और इसको स्ट्रॉबेरी जो सिरप था इसको हम डेकोरेट करेंगे। इससे 1 से 2 चम्मच इस तरीके से हम डाल देंगे और इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये वाला जो है डेकोरेट ग्लास को डेकोरेट करना ऑप्शनल है। आप चाहे तो नॉर्मल ग्लास में सर्व कर सकते हैं लेकिन ऐसे करने से सुंदर लगता है। उसके बाद हमारा जो ब्लेंड किया हुआ मिल्क शेक था इसमें हम डाल देंगे ग्लासेस में। अभी इसमें 2 कटी हुई स्ट्रॉबेरी डालेंगे और इसको सजा देंगे। ऊपर से हम थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी सिरप से फिर से ऊपर से सजाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे पेज या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।